सत श्री अकाल जी, पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल, आओ एक नज़र मारदे हां हुण तक दीआं खास सुरखियां ते। मोहाली विच दो दिना प्रोग्रेसिव इन्वेस्टर समिट 2023 दी हुई शुरुआत। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने देश विदेश तो आए कारोबारियों नूं जीआं नूं कहा पंजाब निवेश लई सब तों ढुकवां स्थान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया वड्डा ऐलान, कहा जलंधर विच बनेगी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। आबकारी नीति नाल जुड़ी मनी लॉन्डरिंग का मामला, ईडी ने केजरीवाल के पीए तो की पूछगिछ। ते हुण खबरां विस्तार नाल। मोहाली विच दो रोजा प्रोग्रेसिव इन्वेस्टर समिट 2023 दी अज शुरुआत हो चुकी है। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान वल्लों मोहाली विच सम्मेलन विच शिरकत की गई। सम्मेलन विच देश विदेश तो निवेशक हिस्सा लैण पहुंचे। मुख्यमंत्री मान वल्लों नाल सब दा स्वागत किया गया। इस सम्मेलन विच मेदांता ग्रुप, गोदरेज कंज्यूमर, भारती ग्रुप, नैसले आदि शामिल होए। सम्मेलन नूं संबोधन करदिआं मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब दे लोक बहुत मेहनती ने, पंजाब विच कदे किसे नूं घाटा नहीं पिया अते सूबा पूरे देश नूं कमांदा है। उन्होंने निवेशकों को कहा कि असीं तुहानूं माहौल देवांगे अते कारोबारी इत्थे बेफिक्र होकर निवेश करन। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पंजाब देश का सब तो वड्डा ट्रैक्टर उत्पादक है अते इत्थे ट्रैक्टरों की मैनुफैक्चरिंग सब तो ज़्यादा हुंदी है। उन्होंने कहा कि सरकार कारोबारी के हिसाब नाल चलेगी, क्योंकि कारोबारी जिथे टैक्स देंदे ने उत्थे ही रुजगार भी पैदा करदे ने। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि कारोबारी नूं सरकार का पूर्ण सहयोग है अते सूबे विच उन्हां नूं किसी भी तरह की परेशानी नहीं आउण दित्ती जाएगी। उन्होंने कारोबारियों नूं पंजाब दे पेंडू खेत्रां विच इंडस्ट्री लगाउण दी अपील की। दिस समिट विल नॉट बी अबाउट एमओयूज, इट विल बी अबाउट नॉलेज शेयरिंग, अबाउट ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड अबाउट लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। आई थिंक एमओयू कल्चर इज ऑल्सो आउटडेटेड नाउ। खा देते हैं 25 लाख करोड़ के एमओयू हो गए, लेकिन ग्राउंड पे कुछ भी नहीं होता। बड़े बड़े लग जाते हैं एग्जीबिशंस, पर आता नहीं है कुछ। मैं चाहता हूं जो भी आए दिल से आए, और पंजाब की धरती है, जो भी यहां दिल से आता है इतनी बरकत है, उसको लॉस नहीं होता कभी। पंजाब ने कभी किसी को घाटा नहीं पाया, पंजाब पूरे देश को खाना खिलाता है। इसलिए हमने आज डिफरेंट डिफरेंट मीडिया के, प्रेस के, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, सोशल से, उनके चीफ एडिटर्स, एडिटर्स सबको बुलाया है, यहाँ बैठे हैं वो, ताकि वो खुद सुन सकें किसने क्या कहा था। हम आपको माहौल देंगे, तो ऑलरेडी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमें वी आर टॉप 5 अचीवर्स स्टेट्स जो हैं, वी आर वन ऑफ देम इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग डन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड पंजाब रिसीव द डिजिटल इंडिया अवार्ड from the honorable president of India. Punjab is the first state to introduce the EB policy today. We introduce the EB policy. So, जब हमने policy, industry policy, EB policy और logistic policy बनाई, हमने stakeholder से बात की, industrialist से बात की, MSME से बात की, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से बात की, छोटे दुकानदार से बात की। 90% ऑफ सजेशंस आर इन देयर इन माय लेटेस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी। 90% ऑफ सजेशन ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट इस चेंजेबल। कई बार प्रैक्टिकल जब करते हैं तब कुछ कमियां बाद में पता चलती हैं, तो अगर उसमें कुछ रहेगा तो हम चेंज करते रहेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे कि पंजाब में एक स्टिक हो जाएं या स्टक हो जाएं कि बस ये बना दिया, बस इसी को फॉलो करना।
लकीर के फकीर नहीं बनेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट के हिसाब से, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट इज पेइंग टैक्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट इज जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑल। नाउ डेज रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी एंड रोड कनेक्टिविटी वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। वी हैव 4 नेशनल हाईवेज, 4 domestic airports, out of which 2 will be the international. Amritsar is already international, but Mohali will be the international airport very soon. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਬਾਬਤ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰਸ ਨੂੰ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰਸ। ਇਫ ਯੂ ਬਾਏ ਲੈਂਡ ਫੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬਾਏ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਆਫ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ। ਮੇ ਬੀ ਕੋਸਟਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਗਿਵ ਅਸ 10-15 ਡੇਜ਼ and give us the address of your land, visit there. After 15 days we will give you assurance that this is the charges of CLU, charges of pollution, this is the charges of fire, and tehsildar ne jab sign kar diye green stamp paper par, you are good to go. Agle din bhoomi poojan karke apni factory shuru kar lo 15 din. कोई आपके पास ऑफिसर आए 6 महीने में 1 साल में, यू जस्ट हैव टू शो द स्टैम्प पेपर, द ग्रीन कलर। द ग्रीन कलर स्टैम्प पेपर मीन्स यू हैव एवरी काइंड ऑफ एनओसी। सीएम पंजाब भगवंत मान ने 5वें प्रोग्रेसिव पंजाब निवेशक सम्मेलन में संबोधन दौरान ऐलान किया कि जलंधर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनावेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब को मुड़ तो स्पोर्ट्स हब वजों विकसित किया जाएगा। उन्होंने भी कहा कि वर्ल्ड कप या होर खेडों लिए जलंधर में समान बनता है और सरकार वालों जलंधर में यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। सो द स्टेट हैज इंडियाज 75% शेयर इन स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग। दिस इज द की पॉइंट। 75% share in the sports goods manufacturing. Stall laga hai, dekh ke aana. Sports ka stall hai ek Jalandhar se. You can see the rugby balls which will be used in September 2023 World Cup of Rugby, made in Jalandhar. FIFA World Cup, recently we saw the FIFA World Cup, all the footballs made in Jalandhar. Cricket bats, cricket balls made in Jalandhar. So Jalandhar is the hub of sports industry, and we are planning to put a very updated and latest sports university in Jalandhar. So there is a big scope in sports industry. ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਘੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਮਿਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ। ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟੀਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟੀਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ। ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬੰਬਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਸ ਇਹ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਇਹੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਿਆ, ਚੰਗਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਰੋਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗੈਟਅਪ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਨਵੈਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇੰਟਰਜ਼ਮ ਵੀ ਅਭੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਜ਼ਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
कि पंजाब के अंदर इन्वेस्टमेंट बड़ी अच्छी आएगी और आम पार्टी का यह पहला प्रोजेक्ट हो रहा इन्वेस्ट पंजाब का उन्होंने सरकार के अंदर तो असी गवर्नमेंट ऑफ NCD दिल्ली के अंदर पंजाबी अकेडमी जिहड़े उन्होंने सरकार की पंजाबी अकेडमी कल्चर उसके मैंबर ही हाँ और मिनोरिटी कमीशन के भी मैंबर हाँ दोनों गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के केजरीवाल जी की सरकार के नाल जुड़े हाँ तो बाकी असी अपन बिक्रमजीत जी साणी जब जिहड़े हैं वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गनाइजेशन के उन्होंने नाल WPO के अंदर भी असी हाथ हाथ मिला के चलते हाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है मेरे ख्याल में सक्सैसफुल कार्यक्रम और अच्छी इन्वेस्टमेंट देखने मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में वित्तीय साल 2023-24 सूबे का बजट पेश करते हुए अज कहा कि सूबे के लोगों उत्ते कोई नवा टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री कोल राज्य के वित्त मंत्रालय का भी चार्ज है। उन्होंने आने वाले वित्तीय साल लिए 1,83,950 करोड़ रुपए का बजट पेश किया जो कि सोध अनुमान 1,64,808 करोड़ रुपए तो 11.6% वध है। भाजपा और जन नायक जनता पार्टी सरकार के दूजे कार्यकाल का चौथा बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने बजट में समाजिक सुरक्षा पेंशन मौजूदा 2,500 रुपये प्रति महीने तो वधा के 2,750 रुपये प्रति महीना करन अते हरियाणा गऊ रक्षा सेवा कमीशन लई फंड नूं मौजूदा 40 करोड़ रुपए तो वधा के 400 करोड़ रुपए करन दा प्रस्ताव रख्या। उन्होंने 2023-24 में घट्टो घट 65,000 नियमित अहुदिआं उत्ते भर्ती करन दा ऐलान किया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अपराधिक गिरोहां अतवादी समूहों और नशा तस्करी माफिया विचकार गठजोड़ के मामलों में एक अतवादी के करीबी संयोगी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में कनेडा स्थित भगौड़ा अतवादी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला का करीबी साथी लक्की खोखर उर्फ डेनिस भी शामिल है। दस दिए कि NIA वालों गठजोड़ का पर्दाफाश करने लिए मंगलवार को 8 सूबों के 76 ठिकाने में छापेमारी की गई थी जिस तों बाद गिरफ्तारियां की गई ने। NIA ने पंजाब हरियाणा राजस्थान उत्तर प्रदेश दिल्ली NCR महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में छापेमारी की थी। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जग्गू भगवानपुरी गोल्डी बराड के साथी भी शामिल ने। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित बेनीमे संबंधित मनी लॉन्डरिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के PA तो पूछगिछ की। अधिकारी ने दसा कि कुमार ने इतने संघी जांच एजेंसी के सामने अपना बयान दर्ज करवाया तो जांचकर्ताओं ने मनी लॉन्डरिंग रोकू कानून धाराओं तहत उसका बयान दर्ज किया। मनिया जा रहा है कि उस तो ED के दोषों के संबंध में अदालत में पूछगिछ की गई थी कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कुमार समेत घट्टो घट 36 दोषियों ने कपड़े में 1,000 करोड़ रुपए की रिश्वत के सबूत लगाने तकरीबन 170 मोबाइल फोन नष्ट किए या फिर उनका इस्तेमाल किया। ED ने इस मामले में हुण तक 2 दोष पत्र दाखिल किए हैं तो कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया। कांग्रेस के बुलारे पवन खेड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्ते टिप्पणी करने के मामले में असम पुलिस ने गिरफ्तार किया। हाई वोल्टेज ड्रामे के कुछ घंटे बाद ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तो अंतरिम जमानत मिल गई। अगे खेड़ा रेगुलर जमानत लिए अर्जी देनी पवेगी। खेड़ा सुप्रीम कोर्ट से एक होर राहत मिली है जिस में उस खिलाफ दर्ज 3 FIRs एक थान इकट्ठा करने के हुक्म दिए गए हैं। उधर कांग्रेस के संगठन जनरल सकत्र KC वेणुगोपाल ने पार्टी के मीडिया विभाग के मुखी पवन खेड़ा रायपुर जाने वाले जहाज विचों हेठां उतारे जाने के बाद सरकार उत्ते निशाना बिन्या। वेणुगोपाल ने कहा कि पवन खेड़ा जहाज तो हेठां उतारे जाना निंदनयोग है। उन्होंने इस बाबत एक ट्वीट भी किया। वारिस पंजाब के जथेबंदी के मुखी भाई अमृतपाल सिंह जनाला पहुंचे। इस दौरान जथेबंदी के कारकुनों से पुलिस विचाले जबरदस्त झड़प हुई है। दसा जा रहा है कि पुलिस अधिकारियों समेत कई मुलाजम जख्मी हुए हैं। जिक्रयोग है कि लंघे दिन भाई अमृतपाल सिंह ने चेतावनी दी थी कि जेकर उन्होंने उनके साथियों खिलाफ किए झूठे केस को रद्द न किया गया तो वह जनाला में रोस प्रदर्शन करेंगे। इस तो इलावा उन्होंने ऐलान किया कि जेकर उसके गिरफ्तार किए गए साथी रिहा न किया गया तो वह आत्म समर्पण भी करेंगे तो रोस प्रदर्शन में भी शमूलियत करेंगे। बसी पठाना में हुए एनकाउंटर में मारे गए 3 गैंगस्टरों का फतेहगढ़ साहब के सिविल हस्पताल में डॉक्टरों के बोर्ड वालों पोस्टमार्टम कर दिया गया। सिविल हस्पताल फतेहगढ़ साहब में पहुंचे गैंगस्टर तेजिंदर सिंह तेजा के माता ने पुलिस की कार्रवाई संबंधी कहा कि इन्हों उत्ते गोलीबारी करके मारन की बजाय इन्हों ज्यौदे फड़ लिया जाता तो चंगा हों। उधर दूसरे गैंगस्टर मनी सहोता के पिता और भरा ने पुलिस की कार्रवाई को सही करार दिता और कहा कि माड़े कामों के माड़े नतीजे निकलते हैं। DSP गुरबंस सिंह बैंस ने कहा कि सिविल हस्पताल फतेहगढ़ साहब विखे डॉक्टरों के बोर्ड वालों पोस्टमार्टम करवाया गया तो नैशनल ह्यूमन राइट्स की गाइडलाइन फॉलो किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम करने तो बाद तिना दिया लाशों उन्होंने परिवार हवाले किया जाएगा।
ਕਿਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੇਰੇ ਕਾਕੇ ਆ ਇਹ ਤੀਆ ਛੋਟਾ ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਰ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪਰਚੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਝੂਠੇ ਰੋਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਾਤ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਜੀ 26 ਦਾ ਪਰਚਾ 18 ਦੇ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸਲੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਰਖਾਸਤ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ MC ਗਏ ਮੁੰਡਿਆਲੇ 10 ਬੰਦੇ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹ 307 ਦਾ ਪਰਚੇ ਦਾ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ PO ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਦੇਖਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਧੀਆ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਸਰ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਤੜਫੇ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ AGTF ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ 3 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂਟਡ ਸੀ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਚਰੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਗਏ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜੋ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਜਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਬਕਾ DGM ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ CEO ਸਰਦਾਰ DP ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਧਮੀਜਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ CEO ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਇਸ ਮੌਕੇ DP ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ